हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। तो सी सेट का हमारा सफ़र चल रहा है और सफ़र हमारा पहुंच चुका है 2022 के पेपर नंबर तीन की तरफ। माफ़ कीजिएगा, पेपर नंबर तीन की तरफ। देखो, मैं ना हमेशा से एक ही बात मानता हूँ, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। क्योंकि जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि एक्चुअली में क्या आपकी डायरेक्शन सही है। और खास कर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इतने खास होते हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पता है व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर सो इंपॉर्टेंट, रीजन क्या है इनके पीछे? रीजन ये है कि यहां से आपको डायरेक्शन मिलती है, यहां से आपको एक सही डायरेक्शन मिलती है कि जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, कि क्या जो पाथ आपने चूज किया है सीसेट के लिए वो राइट भी है या नहीं है। ये डायरेक्शन कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेवल बताएगा ये आपको कि पिछले सालों में लेवल कैसे चेंज हुआ है। जो बच्चे थे वो मूर्ख थे जो कह रहे थे 2023 का पेपर मुश्किल था, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात, कोई मुश्किल नहीं था। हाँ, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर की होते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होते, तब आप कह सकते थे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा मुश्किल है। सो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देखे होते ना, तो आपको पता चलता कि 2023 के पेपर में कुछ नहीं था। हाँ, लेवल जरूर मुश्किल था। एक बात कहूंगा, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे ना, वो भी ढंग से नहीं कर पाए इस पेपर को अटेम्प्ट, जिन्हें लगता था कि दो तीन महीने में सी सेट हो जाएगा। गलत बात थी, सरासर खारिज करूंगा मैं इस बात को कि जिस बच्चे ने मैथ्स बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, वो इजीली कर पाएगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। इवन नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ज़्यादा अच्छे करके गए मुझे लगता है, क्योंकि उन्हें डर था, उन्होंने डर में पढ़ भी लिया। साइंस वाले तो ऐसे नहीं कहूँगा कि साइंस बैकग्राउंड वालों को एक अपर हैंड जरूर होता है इनका, कि थोड़ा सा ज़्यादा मैथ्स पढ़ा होता तो चीज़ें ईजी होती हैं। क्लियर? तो चलिए, अगर आप भी अपने लिए चीज़ों को इजी बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं एक बार। भैया ये बैच है ना, जिसके थ्रू आप अपने सी सेट के सपने को साकार कर सकते हो। इवन मैं कहूँगा आईएएस के बनने को सपना साकार कर सकते हो, आईएएस बनने के सपने को आप साकार कर सकते हो। कैसे? इस बैच के थ्रू। क्योंकि अगर सी सेट नहीं हुआ तो आईएएस नहीं होगा, याद रखना, हल्के में मत लेना। मैं गारंटी कहता हूँ 100+ नंबर आएंगे अगर मेरे बैच में आओगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं। इतना तगड़ा कंटेंट दिया हुआ है, बता दी मैंने, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे आप। देखिए 4 days अ वीक बैच है बेटा, टोटल 180 लेक्चर्स हैं। इन 180 लेक्चर को मैंने पार्ट ए में पार्ट बी में डिवाइड किया। पार्ट ए में कितना है मेरे पास? 90 लेक्चर। पार्ट बी में कितना? 90+ लेक्चर। ये आपको ऑन बोर्ड ही दिख रहे हैं। देखो ये 90 लेक्चर कैसे हैं, ये एक्चुअली ऑनलाइन और आपको ऑफलाइन बैच है, ये आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है, जिसमें क्या है आपके पास 90 जो लेक्चर है ये आपको लाइव मिल रहे हैं, मतलब जिसमें 50 क्वांट के लेक्चर हैं, 25 लॉजिकल के लेक्चर हैं और 15 आपके पास इंग्लिश के लेक्चर्स हैं। क्लियर? उसके बाद प्रीवियस ईयर लेक्चर्स कितने हैं आपके पास? 15। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने हैं? 50+। लाइव मेंटरशिप सेशन कितने हैं? 30+। क्लियर? ये आपके 90+ जो लेक्चर्स हैं वो ये हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा 50 से, मुझे पता है 50 एप्टीट्यूड के लिखे से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है। ये तो वो बैच है जो चल रहा है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो 9517771651 दंदनाती कॉल कर दो इस नंबर पे, कोई डाउट हो तो कुछ भी। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो, नंबर ना मिले या फोन स्विच ऑफ है, तो आप इसे व्हाट्सएप करके हाई लेके छोड़ दीजिए, टीम विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। वैसे ऐसा होगा नहीं, बाई चांस अगर हुआ तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो घबराना नहीं है। चलिए उसके बाद देखो क्या मिलता है आपको। आपको मिलता है वीकली शेड्यूल, आपको मिलता है बेटा वीकली शेड्यूल। अब इस वीकली शेड्यूल में क्या आपके पास, सबसे पहले आपको ये पता चलेगा लेक्चर कौन कौन से हैं कि इस बैच में लेक्चर कौन कौन से मिल रहे हैं इस वीक में, एक्चुअली कि कौन कौन से लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जो लेक्चर होगा आपका लगा हुआ पोर्टल पे, उस लेक्चर में क्या क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले उस लेक्चर की पीडीएफ, उस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी। नंबर दो पे क्या मिलेगा? रिसोर्सेस। नंबर थ्री पे प्रैक्टिस शीट, ठीक है जी। नंबर वन पे क्या लिखा मेरे पास? लेक्चर की पीडीएफ, मतलब
वो पीडीएफ जो मैंने लेक्चर में करवानी है। सपोज करो आज परसेंटेज का लेक्चर है, तो परसेंटेज का जो जो मैंने करवाना है वो सारी पीडीएफ ऑलरेडी आपको अपलोडेड मिलेगी। नंबर दो पे गए रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हो सकता है? रिसोर्सेज चैप्टर का वो भाग, वो पार्ट होता है बेटा जिसके अंदर कुछ थ्योरी हो सकती है, कुछ आपके पास फॉर्मूलाज हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं, छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को बताने के लिए या आपके चैप्टर को समझाने के लिए। नंबर तीन में गया प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट क्या होगी? सपोज कीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर टाइप करवाई आज आपके पास परसेंटेज की, तो उस परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो जैसे क्लास में हमने किए हैं वो प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन, और वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 4:30 से लेके 5 बजे। तो यानी यहाँ पे 30 मिनट में क्या मिलने वाला है मुझे, यहाँ पे 30 मिनट में क्या मिलने वाला है मुझे, प्रैक्टिस सेशन कम डाउट सेशन। क्लियर? तो यहाँ पे हम इस पूरी प्रैक्टिस शीट को एक तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास है, जी हाँ एक लास्ट चीज बची हुई है, ध्यान रखिए, मेरा वीकली टेस्ट। मेरा वीकली टेस्ट बचे। अब इस वीकली टेस्ट में क्या है, वीकली टेस्ट में क्या है बेटा, मेरा नंबर एक मुझे मिलता है वीडियो सॉल्यूशन, और ये होगा कब, ये होता है संडे को, हर संडे को 1 बजे पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। जो ऑफलाइन देना चाहता ऑफलाइन आ जाओ, ऑनलाइन घर से बैठ देना चाहता तो घर से भी दे सकते हैं। और उसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन कब, नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल लाइव ये डिस्कशन होता है और इसकी वीडियो चढ़ जाती है भाई पोर्टल पे। क्लियर? तो ये कोई छोटा मोटा बैच नहीं है, ये जीरो टू हीरो बैच है आपके लिए। मतलब मैं ऑलरेडी बोलूँ जीरो टू हीरो बैच क्यों, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, आप कहोगे सर मुझे नहीं आता, आप कहोगे सर आता ही नहीं, मैंने कभी मैथ में कुछ नहीं पढ़ा, एम नहीं पढ़ा मैंने मैथ में, मैं कहूँगा भाई मेरे पास आओ मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ाऊंगा, पूरी ABCD सिखाऊंगा, पूरा मैथ बताऊंगा, बट मुझे टाइम चाहिए होगा। मैं 2 महीने में आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे पूरा वक्त दीजिए जब मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा, याद रखिए मेरी बात। क्लियर? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट है मेरे पास मेरा भाई व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज़ 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 इसे ज्वाइन कर लो बच्चों। चलिए जी मेरे पास है 2022 का पेपर और उसका है नंबर 3 सेशन आज का। हाउ मेनी 3-डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 5। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? देखो उसने कहा तीन, हाउ मेनी 3-डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटिंग ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब 3 नंबर है, 1, 2, 3 नंबर डिविजिबल बाय 5 और नंबर होना चाहिए ऑड। देखो कोई भी नंबर सबसे पहले 5 से डिविजिबल कैसे होगा, जब उसके एंड में 0 या 5 होगा, बट अगर मैंने 0 लिया एंड में तो वो नंबर बन गया इवन, 120 130 ऐसा करके डन, बट मुझे नंबर चाहिए ऑड, तो डेफिनेटली यहां पे मैं क्या रखूंगा, अब मुझे इन दोनों पोजीशन में डिसाइड करना व्हाट टू डू। देखो मैं अगर ध्यान से देखूं मेरे पास ऑड नंबर कौन से, 1, 3, 5, 7, 9 नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 5, तो डेफिनेटली जो मेरी प्राइम पोजीशन है, यूनिट डिजिट है, उसमें मैंने 5 को पुट कर दिया, ठीक है, मैंने 5 को पुट कर दिया तो 5 भाई खत्म। इसका मतलब नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली 2 पोजीशंस, व्हिच इज माय 10th डिजिट एंड व्हिच इज माय एंड अनदर इज माय 100th डिजिट। अब एक बात बताओ यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 1 को पुट कर सकता हूं, 3 को पुट कर सकता हूं, 7, 9, इन चारों में से मैं किसी भी एक नंबर को पुटअप कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। यहाँ पे सपोज करो इन चारों में से कोई एक नंबर लगा तो कितने नंबर बचे, मतलब यहाँ पे मैं कितने नंबर को पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं 4 और यहाँ पे कितना कर सकता हूँ 3, क्योंकि 4 में से 1 यहाँ पे पुट होगा तो बचा 3 और यहाँ पे 1, तो 4 3 12, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया, मैंने सिंपल लॉजिक यूज किया कि एक नंबर को फिक्स कर दूं, बाकी 2 डिजिट्स जो बचे हैं मेरे उन पे देखो कितने कितने पोजीशंस के नंबर में कर सकता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इन चारों में से कोई एक पुट कर सकता हूं, जब इन चारों में से कोई एक यहां पे आ गया तो डेफिनेटली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 3 नंबर बचे, तो इस पोजीशन पे 3 में से कोई भी एक पर पुट कर सकता हूं। क्लियर? और इसी तरह से इसको घुमाया जा सकता है, तो आंसर मेरा 12 बिल्कुल सही है इसका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए आप एक और चीज कर सकते थे इसमें, एक और चीज आप कर सकते थे, आप इसमें 4P2 भी कर सकते थे।
जब आप 4p2 करोगे वो भी कितना आएगा, वो भी आपका 12 ही आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 इंटू इंटर 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 दिए, कितना हो गया मेरे पास 12, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इसका, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ बच्चों, चलिए द इंक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ, ये बहुत अच्छी सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, कहाँ बाबू जी थोड़े से बड़े लेवल का, कोई बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है छोटे सरकार, छोटे सरकार ये तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखो द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ सर्टन आइटम वॉज 25%, सबसे पहले 25% इसका मतलब कितना होता है 1/4, यानी ओरिजिनल और फाइनल को देखेंगे, पहली पोजिशन क्या है जो 4 थी वो कितनी होगी इंक्रीमेंट है, देन द प्राइस वो डिक्रीज बाय 20%, 20% का मतलब कितना हुआ 1/5, यानी जो 5 था वो कितना हो गया। आप अगर ध्यान से देखो कि इसी चीज़ को आपने 25% बढ़ाया, यानी 100 से 25 हो गया 125, इसका 20% कितना हुआ -25, यानी पहली दो तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, थर्ड पे क्या हुआ मतलब जीरो है अभी तक, इंक्रीज बाय 10%, तो आंसर इज 10:11, कैंसल आउट 10 से 11, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 10%, क्लियर। तो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आप पहली दो परसेंटेज जो देख लेते हैं शायद आप तीसरा सीधा आंसर लगा देते, तो क्योंकि आपको 25% का इंक्रीमेंट और 20% का डिक्रीमेंट सेम बात है, समझ आ गई बात, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, या 20% इंक्रीमेंट 25 का डिक्रीमेंट सेम बात है। देखिए द लेटर्स ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज इन सच अ वे दैट देर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। देखो मेरे को क्या दिया, लेटर्स ए बी सी डी ई आर एन एच, और ऐसा क्वेश्चन पिछले आई थिंक 2019-20 में भी देखने को मिला हमें, द लेटर्स ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज इन सच अ वे दैट देर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। देखो भाई मेरे पास क्या है, 5 लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। सबसे पहले अगर मैं ए यहाँ पे रखूँ, 2 लेटर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बोले उसने, तो यहाँ पे ई आ सकता है और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अगर फिर मैं ए यहाँ रखूँ, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ये उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा कैसे, अगर यहाँ पे ई हो, यहाँ पे कुछ ना हो, या ए और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ई हो, यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे ए, क्लियर आ गई बात। देखो मैं अगर हर एक ही अरेंजमेंट देखूं, बाकी बचे मेरे पास ए गया, ई गया, बी सी डी बचे, जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे 3 में से कोई आ सकता है, यहाँ 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3, 2, 1, यानी ये कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, कितना होता है 6, ये कितना हुआ 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, ये भी कितना हो गया 6, ये भी कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, ये भी कितना हो गया 6, तो 6 चौका कितना है 24। या आप एक काम कर सकते थे, एक निकाल लो, 4 आपके पास अलग अलग पोजिशन हैं और एक पोजिशन 6 आपके पास कॉम्बिनेशन बन रहा है, सॉरी 6 आपके पास अरेंजमेंट बन रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 24 इज द राइट आंसर, क्लियर। तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ आए ये क्वेश्चन और कोई तकलीफ ना हो, क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दीज आर सम आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम अरेंजमेंट्स, क्लियर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोल लो या अरेंजमेंट बोल लो। चलिए जी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है, ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ये मैंने पहली बार मैंने देखा इसमें, वरना स्टेट लेवल पे आता था ऐसा क्वेश्चन, अभी तक जो 15 मिनट डिस्कशन कर रहा हूँ पहली बार मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है। क्या दिया, ए बी सी आर 3 प्लेसेस सच दैट देर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, 3 डिफरेंट रोड है भाई, 1, 2, 3, ठीक है, एंड 4 डिफरेंट रोड बी टू सी, बी टू सी अगर सी की बात करूँ, 1, 2, मतलब ए से बी के लिए 3 रोड है, बी से सी के लिए 4 रोड है, और वो क्या कह रहे हैं, एंड 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम ए टू सी। देखो
ए टू सी के लिए सीधे सीधे मेरे पास कितने रूट्स हैं, मतलब यहाँ पे कितने, तीन, यहाँ पे कितने, चार, और यहाँ पे कितने, तीन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा सीधा सीधे सीधे से तरीके से करेंगे। क्या बोल रहा है वो, इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। देखो भाई, मेरे ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगा। सबसे पहले हमने पहले कहाँ जाओगे, पहले ए टू बी जाओगे, फिर बी टू सी जाओगे, और दूसरी पोजिशन क्या है कि डायरेक्टली आप ए टू सी चले जाओ। ए टू अगर डायरेक्टली सी टू पे जाओगे तो डेफिनेटली तीन वेज है मेरे पास। अब दिक्कत कहाँ पे है कि जब मैं ए से चलूँगा सी की तरफ वाया बी, है ना, ये वही वाली बात हुई। या तो मैं फ्लाइट पकड़ के सीधा दिल्ली चला जाऊँ, ये फ्लाइट है अपनी, या पहले मैं जाऊँ यहाँ से पानीपत, फिर मैं जाऊँ आपके पास दिल्ली, ऐसा करके। तो भाई देखो, पहले सबसे पहली बात मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर दोबारा आया डायरेक्टली क्यों कर रहा हूँ समझ जाना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, सपोज करो मैं इस वे से गया, ये मैं वे नंबर मेरा वन है, तो मैं कितने वे से जा सकता हूँ, एक दो तीन चार। अगर मैं ए से वी वे वन के थ्रू कितने नंबर आ गए मेरे पास, चार आ गए। मतलब अगर मैंने ए का पहले वाला रास्ते को टारगेट किया तो बी से मैं चार रास्तों से जा सकता हूँ, डन। अगर मैं ए से गया वे टू पे, ये मेरा वे टू है, तब भी मेरे पास कितने वे बचे, एक दो तीन चार, चार बचे। अब मेरे पास वे तीन है, वे तीन वे भी कितने हैं, चार। तो टोटल ए से सी पे जाने के लिए यहाँ कितने रास्ते बने, बारह। या डायरेक्टली बारह कैसे आएगा, तीन इसके चार इसके, तीन चौके बारह, समझ आई बात। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया क्यों मेरे पास बारह ही आएगा, क्यों मैं तीन गुना चार कर रहा हूँ, समझो इस बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ठीक है, बारह। अब बारह और तीन कितना हो गया भाई, आपके पास ऑप्शन नंबर सी 15, बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो प्लीज़ ध्यान रखो, और ये इकलौता ही क्वेश्चन है जो वे वाला आया अभी तक आपको 15 से जो पेपर कर रहा हूँ। मुझे इसके अलावा और कोई क्वेश्चन दिखा नहीं, अगर आपको दिखे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, देखिएगा नहीं मैंने बहुत डेप्थ में एनालिसिस किया क्वेश्चन की, क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए और ईमानदार से करिए भी। चलिए भाई, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हैज सम कॉइन्स, ही गेव हाफ ऑफ द कॉइन एंड टू मोर टू बी। उसने कहा ए के पास जितने भी कॉइन है उसने क्या किया, अपने आधे कॉइन दे दिए और बी को उससे दो कॉइन ज़्यादा दिए, ठीक है। बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड टू मोर टू सी, सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड टू मोर टू डी। द नंबर ऑफ कॉइन डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। भाई स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा हुआ, दस। हाउ मेनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगिनिंग, बताओ। देखो सपोज करो ए था, बी के पास कितने आए, ए के हाफ प्लस टू, सी के पास कितने आए, बी के हाफ प्लस टू, डी के पास कितने आए, सी के हाफ। ये मेरे पास एक सिनेरियो बन रहा है, क्लियर। उसने यही तो बोला है कि ए के पास कुछ भी था कोई दिक्कत नहीं है, ए के तो बताने हैं। ए ने क्या किया, आपने हाफ दे दिया और उससे दो ज़्यादा दे दिया। सी ने क्या किया, सी ने क्या किया, सी को कितने मिले, बी ने क्या किया, आपने हाफ दे दिया प्लस दो ज़्यादा। फिर डी के पास क्या है, सी ने क्या किया, अपना हाफ दिया उससे दो ज़्यादा, क्लियर। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो, अगर डी के पास दस हैं तो मेरे पास क्या आएगा, डी यानी सी बाय टू इज इक्वल टू टेन माइनस टू यानी कितना, एट। तो सी के पास कितने आ गए, आठ दूनी दो सोलह, सी के पास सोलह आ गए। अगर सी के पास सोलह है तो सिक्सटीन इज इक्वल टू बी बाई टू प्लस ये कितना हो गया, फोर्टीन, फोर्टीन इज इक्वल टू बी बाई टू, ये कितना आ गया, ट्वेंटी एट। अगर बी के पास ट्वेंटी एट है तो यहाँ पुट करो, इज इक्वल टू ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट माइनस टू इज हाउ मच, 28 माइनस टू, एक मिनट कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 8 16 16 माइनस टू 14, 14 इंटू टू 28, माइनस 24, अच्छा जी 24, और मेरे पास फिर चार आएगा, मुझे तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लगी नहीं। चलो देखते हैं ये कितना, a बाई टू, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है भी नहीं,
26, मैं अच्छा ऐड कर रहा था, तो ये कितना आ गया मेरे पास 52, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो ये पेपर मुश्किल नहीं है, 2022 का बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, एक दो क्वेश्चंस कोई वे वाला जो पिछला क्वेश्चन था ना ये हमारा, इसको थोड़ा मैं कह सकता हूँ क्योंकि नए ट्राई का क्वेश्चन था, जब हम करेंगे डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। जल्दी ही आपके इस नंबर सिस्टम की क्लासेस में आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे हम, क्लियर। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्लियर बच्चों। तो होपफुली पसंद आ रहे होंगे, अगर कोई डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इजीली टीम डेफिनेटली एक एक डाउट को देखती है, क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज। भैया क्या होते हैं माइक्रो कोर्सेज बताओ जरा, क्या है माइक्रो कोर्सेज, क्या है माइक्रो कोर्सेज बताओ। माइक्रो कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मंच है जहाँ पे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स पे काम करना है, आपको पूरे चैप्टर पे काम करना, आपको पूरे उस पे काम नहीं करना, मल्टीपल चैप्टर्स मतलब पूरे सिलेबस को लेकर नहीं चलना, आप छोटे से छोटा चैप्टर भी कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटा कोर्स भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। वो चैप्टर एक कोर्स कितना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कैसे। चलिए अभी bd.abhimanyu.com पे जाएंगे हम, चलिए जब आप abhimanyu.com पे जाएंगे या bd.abhimanyu.com पे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे चूज एग्जाम करेंगे तो बेटा मुझे सीसेट को चूज करना है, ठीक है। सबसे पहले सारे सब्सक्रिप्शन आएंगे, फिर वीडियो कोर्स, फिर टेस्ट कोर्सेज, फिर मेरे आएंगे माइक्रो कोर्सेज, क्लियर। अब जैसे ही आप 10 डेज का मोबाइल नंबर डालेंगे, कॉल में या व्हाट्सएप करेंगे, टीम आपसे उस हिसाब से जुड़ेगी, ठीक है। जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूँ मैं, टोटल मेरे पास जो मैथ एंड मेंटल एबिलिटी का या क्वांटिटेटिव का मैथ का कोर्स कहें पूरा, वो 3,500 के लगभग है, क्लियर। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे नंबर सिस्टम को टैकल करना है, नंबर सिस्टम को हैंडल करना है शुरू में, मैं चाहता हूँ नंबर सिस्टम करूँ, तो सिर्फ और सिर्फ 324 रुपये में कर सकते हैं। इसमें 10 लेक्चर्स दिए हुए हैं, 9 वेब नोट्स और 421 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, क्लियर। आप इसमें डिटेल्स देख सकते हैं। ये क्या है, ये भैया रेड सी पट्टी क्या है, ये कुछ इन्हें 6 मिनट का ट्रायल दिया गया हर वीडियो के साथ, आपको मतलब सॉरी हर कोर्स के साथ, हर जैसे नंबर सिस्टम का चैप्टर है, आपको 6 मिनट का ट्रायल देगा, 6 मिनट का ट्रायल आप इन्जॉय कर सकते हैं, क्लियर। जैसे सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे भी 6 मिनट का ट्रायल दिया गया, 114 रुपये में 4 लेक्चर्स हैं, 1 वेब नोट्स, 117 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वेब नोट्स क्या है, वेब नोट्स चैप्टर की कोई थ्योरी हो सकती है, ठीक है, चैप्टर का कुछ फॉर्मूलाज हो सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। 117 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब 117 क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन कैसे हैं, बहुत अच्छे लेवल के, प्रीवियस ईयर इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है। दूसरी बात, इन 117 क्वेश्चंस को आप टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं, जब आप जुड़ेंगे तो एक्चुअली आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसी तरीके से परसेंटेज हो गया, परमिनेशन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका एवरेज हो गया, नेक्स्ट आपका नंबर सिस्टम, देन लाइन चार्ट, रेशो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन 2D, सारे चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट जैसे हम बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी की, पूरा बंडल 2,640 रुपये का है। अगर मैं पजल टेस्ट की बात करूँ तो सिर्फ 21% है, माफ कीजिएगा, 2,42 रुपये का, 21 से 22%, बहुत बड़ा नंबर है। 7 वेब नोट्स हैं, 17 लेक्चर्स हैं, 217 MCQs हैं इसमें। रैंकिंग एंड ऑर्डर की बात करूँ आपके 130 रुपये में 6 लेक्चर्स हैं, 1 वेब नोट्स हैं, 204 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स हैं आपका 2 लेक्चर हैं, 42 रुपये में 2 वेब नोट्स और 77 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। डायरेक्शन साइंस है, इस तरह सिलोजिज्म है, क्यूब एंड डाइस है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डाटा स्पेशन, हर एक चैप्टर के साथ 6 मिनट का ट्रायल दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भरमार है। जैसे मेरी बात सुनो, कैलेंडर है भैया, 143 क्वेश्चन है, 3 क्लासेज है, 2 वेब नोट दिए हुए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मेरे पास है लास्ट, मेरे पास बच्चा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जैसे इंग्लिश की मैं बात करूँ 412 रुपये का पूरा बंडल है, बट अगर सिर्फ आप कॉम्प्रीहेंशन को टारगेट कर रहे हैं तो 349, बट मेरे हिसाब से ना कॉम्प्रीहेंशन के साथ आपको 53 सिर्फ 53 रुपये देखें, ये आपको कर लेना चाहिए, इसको ले लेना चाहिए, क्योंकि एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, ये काम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन में, इसकी भरमार होती है। कई बार कुछ टिपिकल वर्ड्स आते हैं तो 53 रुपये में आई थिंक कुछ कम नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास है ये है मेरे प्यारे बच्चे। और हाँ, अगर आप
जो मैंने कोर्स बताया उसका डेमो देखना चाहें तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाएंगे इंटरफेस खुलेगा, लॉगिन करके आप यहाँ पे डेमो देंगे, आप डेमो भी देख सकते हैं कि किस लेवल का पढ़ाएगा। क्यों इसको जीरो टू हीरो बैच मैं खुद बोल रहा हूँ कि भैया जिसको मैथ नहीं भी आता वो आओ, आपको पता चलेगा कितने सारे बच्चे हैं। डेमो देखने के बाद कोई बच्चा ऐसा हुआ जो ना आए हो, क्लियर। बट ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए। तो ऐसा ही इस अच्छा कोर्स में है, कोर्स में बहुत अच्छा करवाया मैंने, क्लियर। जैसे स्पर्श की बात करें, अर्णव, जतिन, दिव्य, सृष्टि, सब रैंक होल्डर्स हैं और इनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने सी सेट को फोकस ना किया हो। बिकॉज इनको पता था कि अगर हम जी एस सी पढ़ते रहेंगे, अगर सी सेट हमारा ढंग से ना हो तो भैया फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक साल खराब हो जाएगा, क्लियर। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर इन बच्चों के बारे में जानना हो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, तो प्लीज़ ये देख लीजिए, स्वर्णिम शब्द। क्यों स्वर्णिम शब्द? रीज़न, एक दिन ये नॉर्मल स्टूडेंट थे, आप ही की तरह यूट्यूब से वीडियो देखे थे उन्होंने और ये पढ़ के आए, बट आज ये अधिकारियाँ जो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल एज वेल एज द चैनल एंड द वीडियो। थैंक यू, प्लीज़। और आपको फुल कोर्स का, माइक्रो कोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लीज़ इसे लीजिए। थैंक यू।